अगर आप गहराई से देखो तो हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। ठीक है, ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। फोटो के जरिए आप अपने पिता को याद कर रहे हो और उनको प्यार जता रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअल पिता को भूलकर सिर्फ इस फिजिकल फोटो को ही प्यार जताने लग जाओ और याद करने लग जाओ। अरे कहना क्या चाहते हो? सिमिलरली हर हिंदू जानता है कि यहाँ पर मूर्ति के जरिए भगवान की पूजा करी जा रही है, एक्चुअली में उस फिजिकल मूर्ति की पूजा नहीं करी जा रही है। इस चीज का एक अच्छा जवाब आचार्य प्रशांत जी ने दिया था जब मैंने उनके साथ बात करी थी। मूर्ति जो है वो एक सफल प्रयोग रहा है, मूर्ति अमूर्त तक जाने का एक अच्छा साधन रही है। और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है, उसमें यही कहा जाता है कि मूर्ति के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश करूंगा, साकार के माध्यम से मैं निराकार में प्रवेश करूंगा। क्या सोच है रे तेरी? अरे रुको जरा, सबर करो। ये जो कहा ना, आप अपने बाप की तस्वीर देखकर बाप को याद करते हैं, हम मूर्ति देखकर खुदा को याद करते हैं। मैं एक सवाल करता हूं, अगर एक आदमी अपने बाप की तस्वीर की जगह गधे की तस्वीर देखकर बाप को याद करे तो क्या ये बाप की तौहीन नहीं है? क्या बात है सर, क्या बात है सर। यकीनन बाप की तौहीन है, क्योंकि बाप की जो तस्वीर है, जैसी तस्वीर है उसी को तो देखना चाहिए ना। आपने बाप को देखा और आपने उसकी तस्वीर बना दी, आपने बाप को देखा, आपने फोन से उसका फोटो ले लिया, बाप के मरने के बाद आप उसके फोटो को देखकर बाप को याद करते हैं, समझ में आता है, क्योंकि तस्वीर उसी की है। लेकिन अगर आप गधे की तस्वीर देखकर बाप को याद करने लगे तो आप खुद तौहीन महसूस करेंगे कि आप अपने बाप की तौहीन कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें मुफ्ती यासीर नदीम साहब ने ध्रुव राठी को बहुत ही एक्सीलेंट जवाब दिया है। मुफ्ती साहब ने ध्रुव राठी की तारीफ तो की है, लेकिन उनके गलत पॉइंट्स पर बोलना भी बहुत जरूरी समझा है। ध्रुव राठी की कुरान और बाइबल वाली वीडियो में ध्रुव राठी ने कुरान और बाइबल में सिमिलैरिटीज को दिखाया है और कुछ ऐसी बातों को भी बताया है जो इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है। तो मुफ्ती साहब ने ध्रुव राठी की किन किन पॉइंट्स पर रिप्लाई किया है वो हर मुसलमान को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा डीप है और इसे एक गैर मुस्लिम कभी भी सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आइए इस वीडियो में चेक कीजिए कि ध्रुव राठी कहाँ कहाँ पर गलत साबित हुए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजफुल है, तो इस वीडियो को एक लाइक करके दूसरे मुसलमान भाई बहन तक जरूर पहुँचाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के आगाज में एक रिएक्शन भी देना है और थंबनेल से ये बात बिल्कुल वाजे हो चुकी है कि रिएक्शन ध्रुव राठी के की वीडियो के ऊपर असल में देना है। और ध्रुव राठी ने अभी एक वीडियो बनाई है, रियलिटी ऑफ कुरान एंड बाइबल। उससे पहले भी उन्होंने हिंदुइज्म के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और इससे यानी वो वीडियोस बनाते रहते हैं रिलीजियस और नॉन रिलीजियस इश्यूज पर। मैं एक चीज की तारीफ करूंगा और मैं बिल्कुल बगैर किसी लाग लपेट के, विदाउट प्रेजडिस एंड विदाउट बायसनेस बात करने का आदी हूं। और काबिल तारीफ बात यह है कि ध्रुव राठी की जो नीयत है, जो मकसद है, जो उनके खुद इस जो इंट्रो है वीडियो का उससे वाजे है, वो ये कि वो तमाम मजहब के मानने वालों को करीब लाना चाहते हैं, उनकी जो सिमिलैरिटीज हैं उनको बयान करके। और सिमिलैरिटीज की जब बात आती है तो इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत में बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिल जाती हैं और उसकी वजह यह है कि इन तीनों अदियान के, इन तीनों मजाहिब के, रिलीजन्स के की जो मुकद्दस पर्सनैलिटीज हैं वो ऑलमोस्ट यकसा हैं, ऑलमोस्ट सेम हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुसलमान भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मुसलमान भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं। और इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी तीनों मजहब के मानने वाले लोग मानते हैं। तो यहाँ तो सिमिलैरिटीज ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन हिंदुओं और उसके बाद फिर मुसलमानों के दरमियान सिमिलैरिटीज ढूंढना आसान नहीं है। और उसकी वजह यह है कि ध्रुव राठी ने खुद ही अपनी वीडियो के आगाज में यह कहा कि मोनोथीज्म कहते हैं एक खुदा की इबादत करना और पॉलीथीज्म कहते हैं मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस की इबादत करना। तो जो नजरिया एक खुदा की इबादत के कायल हो और दूसरी तरफ एक नजरिया जो मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस में बिलीव करता हो, तो दोनों में सिमिलैरिटीज को ढूंढना मुश्किल है। लेकिन ध्रुव राठी ने बहरहाल उसकी भी कोशिश की कि इन दोनों के दरमियान सिमिलैरिटीज को ढूंढा जाए और अमन का पैगाम दिया जाए। तो मैं इस ताल्लुक से कि उनकी जो नीयत है वो ये है कि वो अमन के पैगाम को आम करना चाहते हैं, मैं उनकी तारीफ करूंगा और वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं।
یعنی یہ چیز ضروری ہے مسلمانوں کی طرف سے یہ پیغام دیا جانا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ کہا جاتا ہے, ایک قول ہے مشہور کہ the devil is in the details. تو جب آپ تفصیلات میں جاتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اور دھورواٹھی کو ٹیگ بھی کیا تھا اور میں نے اپنی اس موقف کا اظہار کر دیا تھا کہ اگرچہ آپ نے اپنی ویڈیو میں ایک اچھی کوشش کی ہے اور خصوصاً جو ویڈیو کا آغاز ہوتا ہے حضرت ابراہیم اور سارا, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سارا اور حضرت لوط علیہ السلام کی سٹوری سے, اور پھر وہ اسی چیز کو بیان کرتے ہیں کہ ہندو میتھولوجی میں رام سیتا اور لکشمن اور اسی طریقے سے راون, یہ سارے کے سارے قصے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. تو یہ جو آغاز انہوں نے کیا زبردست فل ان دی بلینکس, وہ بہت شاندار تھا, نو ڈاؤٹ, اینڈ آئی اٹ واز کوائٹ امپریسیو. کہانی ہے ایسے آدمی کی جس کے نام کے آخری دو لیٹرز ہیں اے اور ایم. اس آدمی کی ایک وائف تھی جس کا نام شروع ہوتا تھا ایس سے. ان دونوں ہسبینڈ وائف کو اپنے شہر سے باہر نکالا جاتا ہے اور یہ دور دکشن کی دشا میں ٹریول کرتے ہیں. ان کے ساتھ اس آدمی کا ایک ریلیٹو بھی ٹریول کر رہا ہے جس کا نام شروع ہوتا ہے ایل سے. اپنے سفر میں جب یہ جا رہے ہوتے ہیں تو کسی دور کے راجے کا ایک راجا ان عورت کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اس راجا کے نام کا آخری لیٹر ہے N. یہاں پر آپ فل ان دی بلینکس کر سکتے ہو, ویڈیو کو پوز کر کے سوچ سکتے ہو دو سیکنڈ. آپ کہو گے تو بڑا آسان ہے, یہ رامائن کی کہانی ہے جس میں کیریکٹرز ہیں رام سیتا لکشمن اور راون. لیکن کیسا لگے گا سن کر اگر میں کہوں یہی فل ان دی بلینکس ایک اور کہانی میں فٹ بیٹھتے ہیں جہاں پر ہمارے کیریکٹرز ہیں ابراہیم سارا لوٹ اور فرعون. یہ کہانی ہے پروفیٹ ابراہیم کی جو کہ کامن پروفیٹ ہے کرسچینٹی اسلام اور جوڈائزم دھرموں کے. لیکن مس ریپرزینٹیشن کسی بھی ریلیجن کی آبویسلی بات ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے. دھورواٹھی چونکہ خود ایتھیسٹ ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں, آئی ڈونٹ نو وہ کسی مذہب میں بلیو کرتے ہیں یا نہیں, لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے کہ وہ ایتھیسٹ ہیں, اور یہ تو طے ہے کہ وہ اسلام کے ایکسپرٹ نہیں ہیں, کرسچینٹی کے ایکسپرٹ نہیں ہیں. ان کی ٹیم کے کچھ لوگوں نے ان کو ریسرچ کر کے دی ہوگی, جیسا کہ بہت سی ان کی ویڈیوز میں وہ خود ہی کہتے ہیں کہ میری ٹیم نے ریسرچ کی ہے. تو اس بات کا امکان ہے کہ جب نان ایکسپرٹ سے آپ ریسرچ کرائیں گے اور وہ بھی ریلیجن جیسے حساس مسئلے کے اوپر, تو غلطیاں ہونا, مس ریپرزنٹیشن ہونا بہت کامن بات ہے. اب یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی مس ریپرزنٹیشن ہوئی ہے تو ہم اس کی وضاحت کریں. اور اگر دھورواٹھی کوئی عام آدمی ہوتے, عام یوٹیوبر ہوتے, تو دن رات اس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں, پھر ہمارا تو کوئی کام رہ نہیں گیا. لیکن چونکہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ ملینز میں ہیں, اور اس ویڈیو کو بھی کل سے اب تک دو دن میں غالباً 3 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں, تو ریچ زیادہ ہے. جب ریچ زیادہ ہوگی تو جو مس کمیونیکیشن یا مس ریپرزنٹیشن یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی زیادہ پھیلے گی. اس لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے اس مس ریپرزنٹیشن کو جواب دیا جائے یا اس کی وضاحت کی جائے. مجھے معلوم ہے کہ ہمارے احباب میں اور بھی لوگوں نے اس تعلق سے کامیاب کوشش کی ہے. زید پٹیل صاحب کی کل اسٹریم ہوئی ہے, اسی طریقے سے ہمارے عاصم افتخار صاحب نے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ حضرات ان دونوں حضرات کے چینل کے اوپر جا کر بھی ان کی ویڈیوز کو دیکھیں. لیکن آج جو گفتگو ہو رہی ہے, آئی ڈونٹ نو, میں نے عاصم بھائی کی ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی ہے, میں نے زید پٹیل صاحب کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے. ہو سکتا ہے کہ میری جو گفتگو ہونے والی ہے اس میں اور زید پٹیل صاحب اور عاصم بھائی ان دونوں کی ویڈیوز میں کچھ چیزیں مشترک ہوں, تو نو پرابلم, آپ کو جہاں سے بھی جو چیز بھی ملے وہ آپ لیں, اگر ایز لانگ ایز وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو. اچھا جی, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جو سب سے پہلا آبجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ 2:35 پر, اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں ان کی ویڈیو کے کلپس نہیں چلانا چاہتا, ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے غیر ضروری طور پر اسٹرائک آ جائے, تو ہم خیر اپنے چینل کو نقصان میں کیوں ڈالیں. تو میں صرف آپ کو ٹائم بتا دوں گا کہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں کس جگہ کیا بات کہی ہے, تاکہ اگر آپ کو ویریفائی کرنا ہو آپ ویریفائی کر سکیں. آئی نو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی. تو 2:35 پر دھورواٹھی یہ کہتے ہیں کہ اسلام, عیسائیت اور یہودیت کو ابراہمک ریلیجن کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہی سب سے بنیادی غلطی ہے کہ ایک نئی اصطلاح ایجاد کر لی گئی کہ جس کو کہا جاتا ہے ابراہمک ریلیجن, اور ابراہمک ریلیجنز میں 3 ریلیجنز کو رکھ دیتے ہیں, اسلام, عیسائیت اور یہودیت, اور اس سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ تینوں ریلیجن جو ہیں وہ مونوتھیسٹک ہیں, توحید پرست اور توحید پسند ہیں, اور ان میں بہت زیادہ چیزیں مشترک ہیں, لہٰذا یہ سب کے سب ہی برحق ہیں. بہت سے مسلمانوں کے اندر بھی اس وقت یہ تحریک چل رہی ہے, اور اس کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ ابراہمک ریلیجن جیسی کوئی ٹرمینالوجی اسلام میں کم سے کم موجود نہیں ہے. جب ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو اس چیز کی وضاحت ضروری ہو جاتی ہے. میں ایک اسکرین شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, یہ دیکھیے قرآن کریم کیا کہتا ہے. قرآن کریم اس تعلق سے بہت واضح ہے, وہ یہ کہتا ہے
سورہ آل عمران آیہ نمبر 67 میں کہ ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اس کا ترجمہ بھی میں نے انگلش میں دیا ہے تاکہ دوراوراٹھی کے لیے آسان ہو اگر وہ ویڈیو دیکھیں. ابراہیم واز نیدر اے جو نور اکشن بٹ ہی واز ون انکلائننگ ٹورڈ ٹروتھ اے مسلم سبمٹنگ ٹو اللہ اینڈ ہی واز ناٹ آف دا پولیتھیسٹس. تو وہ مشرق نہیں تھے, یہودی نہیں تھے, نصرانی نہیں تھے, ولیکن کان حنیفا مسلما, لیکن وہ انکلائننگ ٹورڈز ٹروتھ, جس کو جو حنیف کا ترجمہ ہے, اور مسلم تھے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی مسلمان, آپ نے حضرت ابراہیم کو مسلمان کیسے بنا لیا؟ مسلمان آئے ہیں ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1400 سال پہلے, اور حضرت ابراہیم ہزاروں سال پہلے تھے. تو اس کا جواب خود دھورو راٹھی نے دیا ہے کہ مسلم کے معنی آتے ہیں سبمیشن, اسلام کے معنی آتے ہیں سبمیشن ٹو دا ول آف گاڈ. مسلم اس کو کہتے ہیں جو سبمٹ کرے گاڈ کے سامنے. تو کیا کوئی بھی مذہب یہ کہہ سکتا ہے جو حضرت ابراہیم میں کو مانتا ہو کہ نہیں, حضرت ابراہیم نے اپنے خدا کے سامنے سبمیشن نہیں کیا تھا؟ کوئی آ کر یہ کہہ دے یہودی کہ نہیں, حضرت ابراہیم نے سبمیشن نہیں کیا تھا خدا کے سامنے. کوئی عیسائی آ کر کہہ دے کہ سبمیشن نہیں کیا تھا. اگر سبمیشن, سبمٹنگ ٹو دا ول آف گاڈ کے معنی مسلم کے ہیں, تو پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مسلم تھے. تو ان کو پھر یہودی اور نصرانی کہنا یہ غلط ہے. لہذا ابراہمک ریلیجن کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ ایک کیٹیگری نہیں ہے. اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس لفظ کے استعمال سے بچیں. ادیان ابراہیمی کی کوئی حقیقت نہیں. آئی نو کہ اس وقت کچھ مسلم اسکالرز بھی اور کچھ مسلم گورنمنٹس بھی اس چیز کو پش کر رہی ہیں, لیکن بہرحال یہ ایک انٹرنیشنل پریشر کے ضمن میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ ایک الگ موضوع ہے. اس کے بعد 3:10 پر دھرو راٹھی حضرت آدم اور حوا کی کہانی بیان کرتے ہیں. مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ یہاں پر دھرو راٹھی نہ صرف یہ کہ غلط ہیں, بلکہ میں اگرچہ ان کی نیت پر شک نہیں کرتا ہوں, چونکہ وہ اس بیک گراؤنڈ سے اور اس ورلڈ ویو سے نہیں آتے ہیں, لیکن بہرحال ان کا یہ عمل قابل مذمت ہے. اور وہ قابل مذمت اس لیے ہے کہ انہوں نے اس جگہ پر جہاں حضرت آدم اور حوا کا قصہ شروع کیا, آلموسٹ پورنوگرافک تصویریں اپنی ویڈیو پر لگائی ہیں حضرت آدم اور حوا کے تعلق سے. ایسی تصویریں کہ جس میں حضرت آدم اور حوا کو برہنہ دکھایا گیا ہے. دیکھیے, برہنہ بتانا الگ ہے اور دکھانا الگ ہے. قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ حضرت آدم اور حوا جب درخت سے انہوں نے کھایا تو ان کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ ریویل ہو گئے, وہ اس کو چھپانے لگے پتوں کے ذریعے. لیکن ایک ہے کسی چیز کا بتانا اور ایک ہے پھر اس چیز کو دکھانا. دکھانے اور بتانے میں بڑا فرق ہے. تو یہ جو تصویریں ایک کے بعد ایک حضرت آدم کی اور حضرت حوا کی دکھائی گئیں, اسلامی نقطۂ نظر سے یہ بھی بلاسفیمی ہے, چونکہ ہم صرف بلاسفیمی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لمٹ اور خاص نہیں کرتے, بلکہ کسی بھی نبی اور رسول کی شان میں اگر توہین ہو تو یہ بلاسفیمی ہے. تو یہ ان کی ویڈیو کا وہ حصہ ہے کہ جس پر ان کو چاہیے کہ اگر وہ اس کو ایڈٹ کر کے نکال سکیں تو بہت اچھی بات ہے. اچھا, جس انداز سے انہوں نے حضرت آدم اور حوا کی کہانی بیان کی ہے کہ جی وہ ایک باغ میں تھے, وہاں دو پیڑ تھے, ایک ٹری کا نام تھا ٹری آف لائف, دوسری کا نام تھا ٹری آف نالج. بھگوان نے سوچا حضرت آدم کو بنانے کے بعد کہ یہ آدمی اکیلا ہے, بہت تنہا محسوس کرے گا, لہٰذا کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ہونا چاہیے, لہٰذا جانور بنا دیے. پھر سوچا کہ بھئی یہ تو جانور پرفیکٹ سوٹیبل نہیں ہے, لہٰذا ایک جب وہ سو گئے تو ان کی پسلی سے حضرت حوا کو بنایا. اس پوری کہانی سے یہ ایسا لگتا ہے کہ دھرو راٹھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی پلاننگ نہیں تھی, ہیپ ہیزرڈلی کوئی چیز ہو رہی تھی کہ پہلے آدم کو کریٹ کر دیا, اس کے بعد سوچا کہ یار یہ تو بہت اکیلا ہے, لہٰذا چلو اس کے ساتھ جانور پیدا کرتے ہیں. اب جانور تو سوٹیبل نہیں ہے, چلو ان کے ساتھ ہوا کو پیدا کر دیتے ہیں. یعنی کوئی پلاننگ آدم یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر کسی پلاننگ کے, بغیر کسی نظام کے, بغیر کسی تقدیر کے اس پوری کائنات کو شروع کر دیا, چلا دیا. اور یہی ایک بنیادی غلطی ہے. یہودی اور عیسائی اس کو مانے تو مانے, لیکن اسلام اس چیز کو قطعاً تسلیم نہیں کرتا. اس تعلق سے اسلام اس نظریے کو مسترد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جو ہے وہ قضاء اور قدر بھی ہے, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو نہایت نظام اور پہلے سے پلاننگ کے ساتھ پیدا کیا ہے, کہ کوئی بھی واقعہ اس دنیا میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اور اس کے علم اور اس کی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام
अगर उस बाग से निकले तो ये भी अल्लाह की प्लानिंग का हिस्सा और उसकी इल्म के मुताबिक था। और इसी तरीके से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को की तख्लीक हुई तो ये भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की प्लानिंग के मुताबिक था। ये सारी चीजें अल्लाह की प्लानिंग के मुताबिक थी, हैफेजर्डली कुछ नहीं हुआ। कुरान करीम जो हजरत आदम और हव्वा का किस्सा बयान करता है वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, और दो आयतों के जरिए। आयतें और हदीसें बहुत हैं लेकिन तफसील में जाए बगैर सिंपली ये सूरह आराफ की आयत नंबर 19-25 है। इसमें अल्लाह सुबहान व ताला ये कहता है कि वया आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नत फकुला मिन हैथु शिअतुमा वला तक़रबा हदी शजरत फतकूना मिन अज़्ज़ालिमीन ووسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين। ये जो आयत है और आगे तक चल रही है इसका मैं तर्जुमा भी आपके सामने रख देता हूँ। तो इसमें अल्लाह ये कहता है कि ओ आदम, dwell you and your wife in paradise and eat from wherever you will, but do not approach this tree lest you be among the wrongdoers। is darakht ke qareeb na jana। quran ne iski wazahat nahi ki ke wo tree of life ya tree of evil and virtue ya tree of knowledge wo kaun si tree thi, iski wazahat quran ne nahi ki। ye kaha ke is darakht ke qareeb na jana। ab koi ye keh sakta hai ke bhai ye kya baat hui, darakht ke qareeb kyun na jana। agar ye aapke zehen mein itraz aa raha hai to aap phir ye maan, ye aapke zehen mein kahin na kahin ye shak bhi hai ke khuda qadir e mutlaq nahi hai। अगर खुदा कादिर मुतलक है तो वो जिस चीज को चाहे हलाल करे, जिस चीज को चाहे हराम करे। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि बज़ाहिर उनमें नफा होता है लेकिन खुदा ने उसको हराम किया हुआ है। कुरान खुद कहता है कि वह इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़िहिमा, शराब के बारे में, जुए के बारे में, कि बज़ाहिर इसमें थोड़ा बहुत नफा हो भी सकता है लेकिन इनका नुकसान इनके नफे से बड़ा है, इसलिए शराब को और जुए को हराम करार दिया गया। अगरचे कुरान ने इनमें नफे का एतराफ किया है लेकिन उसका एतबार नहीं किया है। तो अल्लाह सुबहानहू व तआला चूंकि कादिर मुतलक है, आलिम है, हर चीज को जानता है, इसलिए अल्लाह ने उस दरख्त को हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर हराम कर दिया था। लेकिन शैतान आया, बट सैतन विस्पर टू देम टू मेक अपेरेंट टू देम दैट व्हिच वाज कंसील्ड फ्रॉम देम ऑफ देयर प्राइवेट पार्ट्स। ये वो है हिस्सा है कि शैतान ने उनको वसवसा डाला ताकि जो उनके प्राइवेट पार्ट्स हैं वो दुनिया वो खुल जाए। He said, "Your Lord did not forbid you this tree, except that you become angels or become of the immortals." उसने ये कहा कि तुम्हारे खुदा ने इस दरख्त से तुमको इसलिए रोका है ताकि तुम फरिश्ते बन जाओ और ताकि तुम इमोर्टल यानी तुम्हें समझ ले, तुम्हें ऐसी जिंदगी मिल जाए कि जो कभी खत्म ना हो। And he swore, उसने कसम खाई खुदा की कि indeed I am to you from among The sincere advisors, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा खैर खा हूं। अब आप ये देखें कि हजरत आदम ने या हजरत हव्वा ने अगर उस दरख्त की के करीब ये दोनों गए तो इसलिए नहीं गए कि इनके जहन में खुदा के खिलाफ बगावत का कोई ख्याल आया, बल्कि जब शैतान ने खुदा के नाम पर कसम उठाई तो ये समझे कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही होगी, चूंकि खुदा की कसम, खुदा के नाम की कसम उठा रहा है और खुदा का एहतराम इतना है कि खुदा के नाम की कोई कसम उठाएगा तो यकीनन सच ही बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए वो इस ट्रैप में आ गए। उनकी ये गलती एक इज्तिहादी गलती हो सकती है, एक एरर हो सकता है, लेकिन ये खुदा के खिलाफ बगावत नहीं थी। ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए, ये इस्लाम का नैरेटिव है। ईसाइयों के यहाँ ये है कि आदम ने खुदा के खिलाफ बगावत की और उस गुनाह का जो भुगतान है वो पूरी नस्ल आदम भुगत रही है। तो अब उसके बाद धुरवराठी ये कहते हैं कि जब आदम और हव्वा ने वो दरख्त का फल खा लिया तो उन्होंने हजरत आदम को और हव्वा को श्राप दिया और कहा कि देखो हव्वा को कि तुम बच्चे पैदा करोगी और बच्चे पैदा करने में तुम्हें बड़ी तकलीफ होगी, और आदम को श्राप ये दिया गया कि पूरी जिंदगी आदम और आदम की औलाद मेहनत करेंगे वगैरह वगैरह। ये स्टोरी उन्होंने यकीनन बिब्लिकल नरेशन से उठाई है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या हुआ, वो ये हुआ कि अल्लाह ताला ने ये कहा, सो ही मेड देम फॉल थ्रू डिसेप्शन, यानी जो शैतान था उसने उनको धोखा दिया। एंड व्हेन दे टेस्टेड ऑफ द ट्री देयर प्राइवेट पार्ट्स बिकेम अपेरेंट टू देम एंड दे बिगन टू फास्टन टुगेदर ओवर देमसेल्व्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ पैराडाइज, वो अपने जिस्म को पत्तों से छुपाने लगे। एंड देयर लॉर्ड कॉल्ड टू देम, डिड आई नॉट फॉरबिड यू फ्रॉम द ट्री एंड टेल यू दैट सैतन इज टू यू अ क्लियर एनिमी, मैंने तुमको पहले ही कह दिया था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन शराब की क्या जो जो बात धुरवराठी ने की है, इस्लाम उस ताल्लुक से क्या कहता है? इस्लाम सिंपल और वाज़े अंदाज से ये कहता है कि अल्लाह ताला ने कहा, काल अहबितु बाज़ुकुम लिबाज़िन,
عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. تم اس جنت سے نکلو, تم میں سے باز باز کے دشمن ہوں گے آپس میں, تم دونوں کے درمیان دشمنیاں ہوں گی تمہاری اولاد میں, اور تم اس زمین میں ایک وقت تک ٹھہرو گے, تمہارا ٹھکانہ ہے, یہاں تمہاری آسائش کا سامان ہے. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون, تم اس میں زندہ رہو گے, اسی میں مرو گے, اور اسی زمین سے پھر تم نکالے جاؤ گے. اگر آپ اس کو شراب کہنا چاہیں تو کہہ لیں, لیکن ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں ہے کہ حضرت حوا کی بیٹیوں کو جو ولادت کے وقت درد ہوتا ہے یہ حضرت حوا کی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے, یا مرد اگر محنت کرتا ہے اپنی فیملی کے لیے تو حضرت آدم کی غلطی کی وجہ سے کرتا ہے, ایسا اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اب یہ جو میں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی غلطی یعنی کوئی بغاوت نہیں تھی, اس کو قرآن نے خود واضح کر دیا سورہ طہ آیت نمبر 115 میں, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, کہ ہم and we had already taken a promise from Adam before but he forgot and we found not in him determination. قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم بھول گئے تھے, ان کی یہ نیت نہیں تھی کہ وہ خدا کے خلاف بغاوت کریں, اور بھول چوک تو انسان کی معاف ہے ہی. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام, لیکن چونکہ حضرت آدم بڑے برگزیدہ بندے تھے, وہ خدا کے نبی تھے, اور بڑوں کی اگر بھول چوک ہو تو اس کے اوپر بھی پکڑ ہو جاتی ہے, اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خود توبہ کے الفاظ سکھائے, اور توبہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی اور وہ توبہ قبول ہوئی. تو حضرت آدم نے اللہ کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی تھی. اب آگے درو راٹھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام قصہ شروع کرتے ہیں 6:04 پر. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب دنیا کی آبادی بڑھ گئی تو خدا کو ریگریٹ ہوا کہ یار یہ میں نے کن لوگوں کو بنا دیا, یہ تو آپس میں بہت لڑ رہے ہیں, دنیا میں فساد کر رہے ہیں. یہ الفاظ ان کے اپنے ہیں, یہ جو کچھ چیزیں جو فلرز ہوتے ہیں اس سے کام خراب ہو جاتا ہے. خدا کو ریگریٹ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ خدا کو علم نہیں تھا کہ آگے کیا ہوگا. خدا کو ریگریٹ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ خدا کی کوئی پلاننگ نہیں تھی, وہ بس بیٹھا بور ہو رہا تھا, اس نے سوچا کہ چلو کچھ بنا دیتے ہیں, اچھے ہی لوگ ہوں گے, لیکن وہ اچھے نہیں نکلے بلکہ خراب نکلے. یہ خدا کی شان میں گستاخی ہے اگر آپ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. اب حضرت اس نے دیکھا کہ بھائی چلو دنیا کو تباہ کرتے ہیں, لیکن ایک بندہ ایسا تھا جو بہت اچھا تھا, تو خدا نے اس ایک بندے کو اپنا پلان بتایا. تو یہ جو اب اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھا بنایا نہیں تھا بلکہ وہ اچھا بن گئے تھے, ورنہ خدا تو ان کو بھی تباہ کرنے والا تھا. وہ تو دیکھا کہ اچانک چلو ایک نیک بندہ ہے, اس کو اپنا پلان بتا دیتے ہیں, اور پھر پورا پلان بتایا اور پھر طوفان نوح آیا. یہ دراصل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی نسبت مذہب کی طرف کرنا, خصوصاً اسلام کی طرف کرنا غلط ہے. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنایا, خدا کی پلاننگ کا حصہ تھا. اس دنیا کے اندر طوفان آیا, یقیناً وہ حضرت نوح کی قوم یا اس دنیا میں جو آباد تھے ان کے اعمال کا نتیجہ تھا, لیکن خدا کے علم کے مطابق تھا. اس کے بعد جو آگے بلنڈر ہے, اور اس کا جواب دراصل عیسائیوں کو دینا چاہیے لیکن میں دے رہا ہوں, وہ بلنڈر یہ ہے کہ انہوں نے دھرو راٹھی نے ایک یہ اسکرین شیئر کی ہے جینیسس چیپٹر 8 ورس 21 کی, اور اس اسکرین کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جب طوفان آ گیا تو پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام ایک قربانی ایک آفرنگ کرتے ہیں خدا کے سامنے, اور خدا سے وعدہ لیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا, دنیا کو تباہ نہیں کرے گا. اور انہوں نے جینیسس کی یہ ورس 21 پیش کیا ہے, جبکہ اس ورس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام خدا سے وعدہ لے رہے ہیں. یہ پورا ورس آپ کے سامنے ہے 18-21 تک, میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. جینیسس کا یہ وہی ورس ہے جس کا ایک حصہ دھرو راٹھی نے اپنے ویڈیو میں دکھایا ہے. سو نوح کیم آؤٹ ٹوگیدر ود ہز سنز اینڈ ہز وائف اینڈ ہز سنز وائفز. تو نوح باہر آئے جب طوفان تھم گیا اپنی بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بچوں کی بیویوں کے ساتھ. آل دی اینیملز اینڈ آل دی کریچرز دیٹ موو الانگ the ground and all the birds, everything that moves on land came out of the ark one kind after another. To jitne bhi janwar hai zameen par chalne wale ek ke baad ek wo sare nikal kar bahar aaye. Theek hai, ab kya hua? Verse 20 mein aata hai ki then Noah built an altar to the Lord and taking some of all the clean animals and clean birds he sacrificed burned offerings on it. اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کی حمد و ثنا کی, قربانی پیش کی, جو حلال جانور تھے ان کی قربانی پیش کی. The Lord smelled the pleasing aroma, خدا نے وہ جو خوشبو ہے اس کو سونگا. And said in his heart, اور اپنے دل میں یہ بات کہی. اب اس میں کہیں نہیں ہے کہ خدا سے وعدہ لیا گیا, دیکھو ہم قربانی کر رہے ہیں, وعدہ کرو گے آئندہ ایسا نہیں کرو گے, ایسی کوئی بات یہاں نہیں ہے. خدا نے اپنے دل میں یہ سوچا, کیا سوچا؟ Never again will I curse the ground because of human.
मैं कभी भी जमीन को इंसान की वजह से तबाह और बर्बाद नहीं करूंगा. इवन दो एवरी इंक्लिनेशन ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज इवल फ्रॉम चाइल्डहुड, गो के इंसान के दिल में जो ख्याल है वो ईवल की तरफ ज्यादा चलता है. एंड नेवर अगेन विल आई डिस्ट्रॉय ऑल लिविंग क्रीचर्स एज आई हैव डन, मैं कभी भी जितनी भी मखलूकात है उनको तबाह नहीं करूंगा जैसा कि मैंने किया. तो ऐसा कोई वादा खुदा से नहीं लिया गया था, हाँ कुर्बानी के बाद खुदा ने अपने से ये अपने दिल में ये बात सोची. तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन न सिर्फ ये कि इस्लाम की हुई बल्कि ईसाइयत की भी हुई. तो अब ईसाइयों को और यहूदियों की जिम्मेदारी है, अगर ईसाइयों ने उनकी वीडियो देखी है तो उनकी जिम्मेदारी है कि इस चीज को क्लियर करें. आगे जो ब्लंडर के बाद एक और ब्लंडर हुआ है वो ये है, बल्कि मैं उससे पहले एक चीज और कहना चाहता हूं, वो ये कि 9 मिनट के ऊपर धौरव राठी ये बताते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो तूफान आया, इसी तरह एक ग्रेट फ्लडिंग का किस्सा दूसरी तहजीबों में भी मिलता है, मेसोपोटामिया में मिलता है, हिंदुइज्म में मिलता है, ग्रीक मिथोलॉजी में मिलता है, इस्लाम में तो है ही, यहूदियत में मिलता है, ईसाइयत में मिलता है, तो जितनी भी तहजीबें सब जगह किस्सा मिलता है. अगर ये बात है तो फिर इस किस्से के होने में शक करने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई. सारी दुनिया अगर इस किस्से के ऊपर मुत्तफिक है, ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स बदल गए हैं. मसलन यानी हिंदू मिथोलॉजी में नाम कुछ और है, ग्रीक मिथोलॉजी में नाम कुछ और है, मेसोपोटामिया में नाम कुछ और है, इस्लाम में और ईसाइयत और यहूदियत में तो नाम में भी कोई फर्क नहीं है. नूह और नोवा वही चीज है. हिंदू में मनु है, मनु और नूह के अंदर बड़ी सिमिलैरिटीज है नाम के अंदर, यानी नाम के प्रोनाउंसिएशन में. द पॉइंट इज कि अगर ये बात है कि सारी दुनिया की तहजीबें किस्से को बयान कर रही हैं, तो उस किस्से के न होने में शक करने का क्या मतलब है? ज्यादा से ज्यादा आप उसकी डिटेल्स में शक कर सकते हैं, लेकिन वो किस्सा हुआ है अगर सारी दुनिया उसके ऊपर मुत्तफिक है और उसके बाकायदा यानी पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसा नहीं कि आज के दौर में वो चली है बल्कि पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें लिखा है. तो आगे चलते हैं. आगे जो सबसे बड़ा ब्लंडर इस वीडियो का है वो ये है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा की बुराई इसलिए है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये कहानी उन्होंने जिक्र की कि उस कहानी में हमें ये पता चलता है कि हजरत इब्राहिम ने मूर्तियां तोड़ दी थी. तो इसीलिए इस्लाम और यहूदियत में मूर्ति पूजा नहीं की जाती. एग्जैक्ट वर्ड है जो 11:45 पर उन्होंने कहे हैं. और उसके बाद आगे वो कहते हैं कि कुछ मुस्लिम कंजर्वेटिव ये कहते हैं कि हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं लिहाजा वो काफिर हैं. तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मूर्ति पूजा अगर इस्लाम में, और इस्लाम हजरत आदम से है क्योंकि हजरत आदम भी खुदा के ऐसे बंदे थे कि जिन्होंने खुदा की मर्जी के सामने सबमिशन किया है, तो इस्लाम में मूर्ति पूजा इसलिए नहीं है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मूर्ति तोड़ी थी, चनाचे चलो भाई चुने इनको मूर्ति अच्छी नहीं लग रही है लिहाजा मूर्ति पूजा बैन कर देते हैं, ऐसा नहीं है. बल्कि मूर्ति पूजा ऑब्जेक्टिवली इन एन इटसेल्फ बुरी है, इसलिए इस्लाम में इस चीज की इजाजत नहीं है. और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी मूर्तियां इसीलिए तोड़ी चूंकि वो मुसलमान थे और इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है. सूरह हज आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ये फरमाता है कि ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ. और आगे है فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. इस आयत का तर्जुमा, आगे पूरी आयत का तर्जुमा करने के बजाय आखिर के जो अल्फाज हैं, सो अवॉइड द अनक्लीनलीनेस ऑफ आइडल्स एंड अवॉइड फॉल्स स्टेटमेंट. तो आइडल्स को अनक्लीन बताया जा रहा है, नजिस बताया जा रहा है, नापाक बताया जा रहा है, वो फिर आइडल्स किसी भी जमाने में हो. तो जो चीज नापाक है उसके करीब जाना इस्लाम में हराम है, उसकी इबादत करना इस्लाम में हराम है. इसका ताल्लुक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नहीं है कि हजरत इब्राहिम ने किया इसलिए मुसलमान कर रहे हैं. हजरत इब्राहिम से पहले भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, हजरत आदम भी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, चूंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा की कोई गुंजाइश नहीं है. अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब धुरव राठी पर मुसलमानों ने एतराज किया उनके कॉमेंट्स में जाकर, तो उन्होंने एक कमेंट अपनी वीडियो के नीचे किया, ये पिंड कमेंट है जो आप उनकी वीडियो में देख सकते हैं, वो अपने इस ऊपर किए जाने वाले इस एतराज का जवाब दे रहे हैं. और जवाब और वीडियो में भी उन्होंने कुछ ऐसी बात कही है. वीडियो में 12 मिनट पर वो ये कहते हैं कि हिंदू मूर्ति पूजा नहीं करते बल्कि मूर्ति के थ्रू भगवान की पूजा करते हैं. ये ऐसा ही है जैसे आप अपने बाप को याद करते हो फोटो देखकर. इसका मतलब ये नहीं है कि आप फोटो ही को याद करने लग जाओ, फोटो देखकर आप अपने बाप को याद करते हो, तो ये फोटो जो है वो एक माध्यम है. पिछले चंद दिनों पहले उन्होंने एक साहब का इंटरव्यू किया जो हिंदू आचार्य थे, प्रशांत उनका नाम है, उन्होंने भी ये बात कही कि मूर्ति अमूर्त तक जाने का एक अच्छा साधन रही है, मूर्ति सिर्फ एक जरिया है. ये जो
एक तरह का हिंदुओं में एक मिसकंसेप्शन है, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये जो कहा ना, आप अपने बाप की तस्वीर देखकर बाप को याद करते हैं, हम मूर्ति देखकर खुदा को याद करते हैं। मैं एक सवाल करता हूं, अगर एक आदमी अपने बाप की तस्वीर की जगह गधे की तस्वीर देखकर बाप को याद करे तो क्या ये बाप की तौहीन नहीं है? यकीनन बाप की तौहीन है, क्योंकि बाप की जो तस्वीर है, जैसी तस्वीर है उसी को तो देखना चाहिए ना। आपने बाप को देखा और आपने उसकी तस्वीर बना दी, आपने बाप को देखा, आपने फोन से उसका फोटो ले लिया, बाप के मरने के बाद आप उसके फोटो को देखकर बाप को याद करते हैं, समझ में आता है क्योंकि तस्वीर उसी की है। लेकिन अगर आप गधे की तस्वीर देखकर बाप को याद करने लगे तो आप खुद तौहीन महसूस करेंगे कि आप अपने बाप की तौहीन कर रहे हैं। जिसकी कोई तस्वीर नहीं हो सकती उसकी तस्वीर बनाना उसकी तौहीन नहीं तो और क्या है? एक और मिसाल ले लीजिए, जगह जगह जो सरकारी दफातर है मसलन, वहां पर मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है चूंकि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप उनकी तस्वीर हटाकर राहुल गांधी की तस्वीर लगा दें तो क्या ये हुकूमत की खिलाफ वर्जी और मोदी की शान में गुस्ताखी नहीं होगी? जितने मोदी भक्त होंगे वो कहेंगे कि भाई ठीक है, राहुल ने भी दाढ़ी रखी हुई है, मोदी ने भी दाढ़ी रखी हुई है, इसका मतलब ये नहीं राहुल गांधी को की तस्वीर मोदी की जगह लगा दी जाए। मोदी की तस्वीर मोदी की तस्वीर है, राहुल गांधी की तस्वीर राहुल गांधी की तस्वीर है। एक आप एक इंसान की तस्वीर दूसरे इंसान की नहीं बना सकते। तो जिसकी कोई तस्वीर हो ही नहीं सकती, जिसका कोई शेप नहीं, कोई फॉर्म नहीं, उसकी तस्वीर बनाने का क्या मतलब? और ये तो फिर खुदा है। बहुत सी चीजें और तस्वुरात ऐसे हैं कि जिनकी आप सुबह कयामत तक तस्वीर नहीं बना सकते। कोई आदमी बुजदिली और बहादुरी की तस्वीर बनाकर दिखाए, हाँ बुजदिल और बहादुर की तस्वीर बना सकते हैं आप, क्योंकि बुजदिल इंसान होता है, बहादुर इंसान होता है, लेकिन बुजदिली और बहादुरी एक कॉन्सेप्ट है। आप उस कॉन्सेप्ट की तस्वीर बना दें और ऐसी तस्वीर बना दें कि सारी दुनिया उसको तस्लीम कर ले कि हाँ यही बुजदिली की तस्वीर है, हाँ यही बहादुरी की तस्वीर है। तो जो चीजें इंसान से मुताल्लिक हैं, जो उसकी सिफत और उसकी खुसूसियात, हम अगर उसकी तस्वीर नहीं बना सकते तो खुदा के जिसने कभी अपनी तस्वीर दुनिया को नहीं दिखाई, खुदा के जिसकी कोई तस्वीर नहीं है, जिसका कोई शेप नहीं है, जिसका फॉर्म नहीं है, उसकी तस्वीर इंसान अगर बनाए तो क्या यह खुदा की शान में गुस्ताखी नहीं होगी? अच्छा, अब धौरव राठी अपनी इस बात को जस्टिफाई करने के लिए साथ में ये भी कहते हैं, देखिए उनके कमेंट में, सम मुस्लिम सेइंग दैट हाउ कैन देयर बी आइडल ऑफ गॉड व्हेन ही हैज नो बॉडी। कुछ मुसलमान ये कह रहे हैं कि खुदा की तस्वीर कैसे हो सकती है, उसका मुजस्समा कैसे हो सकता है जबकि खुदा का कोई जिस्म नहीं है। वेल, हदीस अल बुखारी एंड मुस्लिम कोट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज सेइंग इफ एनीवन ऑफ यू फाइटिंग विद हिज ब्रदर ही शुड अवॉइड हिज फेस फॉर इंडीड अल्लाह क्रिएटेड आदम इज इमेज। एक तो हवाला इन्होंने ये दिया, दूसरा हवाला ये दिया कुरान 38:75, गॉड अल्लाह सेज ओ इबलीस व्हाट प्रिवेंटेड यू फ्रॉम प्रोस्ट्रेटिंग योरसेल्फ बिफोर हिम, मीनिंग आदम, whom I created with my two hands, did you become too proud or have you always been arrogant? यहां इन्होंने एक हदीस और एक आयत का हवाला दिया है। सबसे पहले आयत ही को ले लेते हैं। आयत में कि I created Adam with my two hands, इससे वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि खुदा के हाथ हैं। जब हाथ हैं तो फिर बॉडी है। तो ये जो आयत है इसके ताल्लुक से इसकी वजाहत करना जरूरी है। ये आपके सामने जो स्क्रीन शॉट है इस वक्त, ये तफसीर कुर्तुबी का है और बड़ी क्लासिकल तफसीर है, उसमें इस आयत के माना बयान किए गए हैं। लेकिन जो चीज अहम है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। तो इमाम कुर्तुबी ये कहते हैं कि अल्लाह सुबहानहु व तआला, यहां से देख सकते हैं, फखातबन्ना सबिमा यारिफूनहु फी तआमुलिहिम, अल्लाह ताला लोगों से उस अंदाज में बात करता है जिस अंदाज को वो जानते और समझते हैं। अब मसलन आप अगर C+ लैंग्वेज में लोगों से बात करने लगे या मसलन पाइथन लैंग्वेज में आप लोगों से बात करने लगे, जिसको सिर्फ IT स्पेशलिस्ट समझते हैं, मैं नहीं समझता, एक आम आदमी नहीं समझता, तो हमें तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा कि क्या बात हो रही है। लेकिन अगर हमसे बात हमारे अंदाज में हो, फिर लैंग्वेज कोई भी हो, हम तर्जुमा करके भी समझ सकते हैं, तभी तो बात समझ में आएगी। आगे कहते हैं इमाम कुर्तुबी, فَإِنَّ الرَّئِيسَ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَا يُبَاشِرُ شَيْئًا بِيَدِهِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْإِعْظَامِ وَالتَّكَرُّمِ, कि जो सबसे बड़ा इंसान होता है, जो सबसे बड़ी मखलूक है, मखलूक की बात हो रही है, अगर वो कोई काम अपने हाथ से करे तो उसके हाथ अपने हाथ से करने का मतलब ये कि उसने उस चीज को अहमियत दी, इज्जत दी। मसलन आप ये कहें बादशाह सलामत ने अपने हाथ से खाना खिलाया, तो हाथ से खाना खिलाने का क्या मतलब है कि सामने वाले को इतनी इज्जत दी और उसका इतना एहतराम किया कि अपने हाथ से खाना खिलाया, इसमें एहतराम और इज्जत का पहलू शामिल है। तो इसी माना में यद यानी हाथ का लफ्ज कुरान करीम में आया है, फज़कर अलयद हुना बिमाना हादा, कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चूंकि अशरफुल मखलूकात का जद्द अमजद बनाया है,
इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, इसलिए लफ्ज यद का जिक्र कुरान करीम में है कि आदम अलैहिस्सलाम को मैंने अपने हाथ से बनाया, यानी इतने एहतराम और उनको दिया और उतनी इज्जत दी और तुम उनके सामने नहीं झुक रहे हो। ये आयत का मतलब है। आगे मुजाहिद कहते हैं, मुजाहिद बहुत मशहूर मुफस्सिर और ताबिई है, वो ये कहते हैं अल यद हाहुना बिमान तअक्कुदी वस्सला, कि यद का यानी हाथ के जो माना इस आयत में है वो एम्फसाइज के लिए है। इसके माना यह है कि मैंने ही बनाया, लिमा खलक्तु अना, मैंने ही आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, किसी और ने नहीं बनाया। जब मैंने ही बनाया तो ऐ शैतान तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू एरोगेंस और तकब्बुर इख्तियार करे। आगे अगली लाइन में लिखा हुआ है वकीला अत्तशबीहु फिल यदि फी खल्किल्लाह तआला दलीलुन अला अन्नहु लैस बिमान अन्नअमति वल कुव्वति वल कुदरा व इन्नमा हुमा सिफतान मिन सिफाति जात सिफाति जातिही तआला। ये एक और अप्रोच है जो अहले सुन्नत वल जमा में है, वो ये कि यद के माना यहाँ पर नेमत या कुदरत के नहीं है, बल्कि यद एक सिफत है खुदा की, एक क्वालिटी है, और वो क्वालिटी कैसी है, उसकी हकीकत क्या है, ये दुनिया को नहीं मालूम। एक और ओपिनियन वकील अराद बिल यदि अल कुदरा, यद से मुराद यहां पर कुदरत है, यानी खुदा ये कह रहा है मैंने अपनी कुदरत से बनाया। कहा जाता है अरबी जबान में यह कहावत है माली बिहाज अल अमर यदुन, मुझे इस काम के करने पर कोई कुदरत नहीं है। यदुन का लफ्ज, हाथ का लफ्ज अरबी कहावत में इस्तेमाल हुआ। एक और शेर का एक टुकड़ा है जो इमाम कुर्तुबी पेश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वमाली बिल हमल सकीली यदानी, इस बोझ को उठाने के मेरे पास हाथ नहीं है। एक आदमी जिसके हाथ हैं वो ये कह रहा है कि मेरे पास हाथ नहीं है, यानी मेरे पास इस बोझ को उठाने की कुदरत नहीं है। शायर ये कहता है कि तहम्मल तो आखिरी लाइन तहम्मल तुम इन अफरा अमाली सली बिही वला लिल जिबाल रासियाती यदानी, कि मैंने अफरा अपनी महबूबा के ताल्लुक से कह रहा है कि मैंने अफरा के लिए ऐसे ऐसे बोझ बर्दाश्त किए कि जो मेरी कुदरत बल्कि पहाड़ों की कुदरत के बाहर थे। वमा लिल जिबाल रासियाती यदानी, यदान का लफ्ज यानी हाथों का लफ्ज पहाड़ों के लिए इस्तेमाल हुआ। तो ये अरबी जबान में कॉमन है, इसी एतबार से कुरान करीम के अंदर भी यद का लफ्ज अल्लाह सुबहानहू व तआला के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से सूरत का लफ्ज सिफत के लिए इस्तेमाल होता है कि अल्लाह सुबहानहू व तआला हदीस में आया कि आदम को अल्लाह ने अपनी सूरत पर पैदा किया, यानी अल्लाह ने अपनी सिफत के ऊपर पैदा किया। जो सिफात हमारे अंदर नोबल सिफात हैं वो कहां से आई, वो खुदा के पास से आई। तो इससे हरगिज ये साबित नहीं होता कि खुदा की बॉडी है। और ये जो मैंने आपको कुर्तुबी की बात बताई, वो मैंने कहा आखिर में मैं एक बात बताने वाला हूं अहम, वो ये है कि आप देखें इतने सारे तीन चार अकवाल मैंने जिक्र किए, लेकिन इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि हाँ जी खुदा की बॉडी है। तो मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक हैं, उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं, जो हदीस को आपसे ज्यादा समझते हैं, जो कुरान को आपसे ज्यादा समझते हैं, कि खुदा की बॉडी और जिस्म नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा खुद ही इस चीज का ऐलान कर रहा है। क्या ऐलान कर रहा है कि लैसा कमिस्लिही शै, उस जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो आप जैसे ही बॉडी का कोई भी तस्वीर करेंगे तो इसका मतलब यह कि आपने खुदा को मखलूक जैसा समझ लिया, जबकि खुदा मखलूक जैसा नहीं है। तो जब खुदा खुद ही कह रहा है कि उसकी कोई मूरत नहीं, उसकी कोई तस्वीर नहीं, उस जैसा कुछ नहीं, और आप इस बात पर तुले हुए हैं कि नहीं खुदा के हाथ भी है, उसका जिस्म भी है, उसकी सूरत भी है, उसकी मूरत भी है, ये चीज तो फिर इस्लाम के खिलाफ है। इसी को मिसरिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो वीडियो में आपने देखा कि मुफ्ती साहब ने ध्रुव राठी की उन गलतियों पर कुरान और हदीस का हवाला देकर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और ये क्लियर भी करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ऐसी बातों को सुनकर मुसलमान गुमराह हो रहे हैं। जो कुरान का तर्जुमा नहीं जानते हैं वो ऐसी स्टोरीज में बिलीव कर लेते हैं और अपने ईमान को खो देते हैं। एक मुसलमान कभी भी बुत और मूर्ति की इबादत नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है ये हराम है और शिर्क है। और अगर किसी मुसलमान को ये चीज पता नहीं है कि कोई भी मुसलमान काबा की इबादत नहीं करता है, ये सिर्फ नमाज पढ़ने का किबला और डायरेक्शन है, तो वो ऐसे लोगों की वीडियो और स्टोरी को देखकर गुमराह हो सकते हैं। एक ऐसे ही मुसलमान जॉन घानिम ने काबा को अल्लाह का घर समझकर, यानी काबा में अल्लाह रहता है ये समझकर इस्लाम को छोड़ दिया। अगर वो जानता कि हर वो जगह जहां अल्लाह की इबादत की जाती है वो अल्लाह का घर है, यानी वहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वहाँ लिटरली अल्लाह नहीं रहता है, अल्लाह तो अपने अर्श पर मौजूद है, इतनी सी नॉलेज की कमी की वजह से वो मुर्तद हो गया। इस्लाम बहुत ही डीप है, आप जितना इसके अंदर जाएंगे आपके दिमाग के ताले खुलते जाएंगे। तो इस वीडियो को सभी मुसलमान भाई बहनों तक जरूर पहुँचाए, बस आपको एक लाइक करना है। तो जो लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना बहुत सारा ख्याल। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।